Say hello. Hello. Pakistan बहुत खूबसूरत है, literally बहुत बहुत खूबसूरत है. Let's go, guys. रात का सफर बहुत मुश्किल रहा, आवाज भी थोड़ी सी बैठ गई है, बट एक नहर यहाँ से जा रही है वो आपको दिखाता हूँ. So guys, here we are. एट गुरुसर लेक. एज यू कैन सी, रास्ते में जाते जाते हमने सोचा कि एक स्पॉट है. अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल है बिकॉज हम आई गेस 10-12,000 फीट की बुलंदी पे हैं और ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है, तो सांस बहुत ज़्यादा फूल है. बट एज यू कैन सी द व्यू इज़ अमेजिंग, बहुत खूबसूरत झील. एंड मैं अभी एक बॉटल लेके जा रहा हूँ पानी की, इसमें मैं झील का जो नेचुरल वाटर है वो लेकर रवाना है, ग्लेशियर वाटर. स्टे ट्यून्ड. एंड पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लिटरली बहुत बहुत खूबसूरत है. ओह माय गॉड, पानी इतना ठंडा. ओह माय गॉड, वाटर इज सो कोल्ड गाइस. दो दिन हमारे रह गए ट्रिप में और हम पहुंचे रात को स्कर्दू. बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बिकॉज ऑफ रोडिंग थी, बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था. लेकिन ये कि जब स्कर्दू पहुंचे तो यहाँ की खूबसूरती देख के जो सारी थकावट थी वो ख़त्म हो गई. आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी. ये है वो इकलौता सेब जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा. दूर से मैं खड़ा हुआ था, मैंने देखा ये सेब गिरा, तो मैं इसको आने के लिए आया हूँ. ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ अभी तक, भूख बहुत ज़्यादा लगी है. और नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका तो मज़ा ही कुछ और होता है. कबाब. अच्छा, ये वाले जो हैं थोड़े कच्चे हैं, लेकिन ये वाले जो हैं वो तकरीबन पूरे पक चुके हैं. तो अभी यहाँ से थोड़े से नेचुरल फ्रूट्स खाएंगे और उसके बाद फिर हम आज जा रहे हैं शिकार फॉर ब्लाइंड लेक और कोल्ड डेजर्ट वगैरह. बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की थी, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत मज़ा आने वाला है. और जैसे कल देवसाई के आपको व्यूज़ दिखाए थे, आज भी आपको दिखाएंगे स्कर्दू. जी गाइस, सो दिन आज का जो है वो पहला हमारा कंप्लीट हुआ जाता है और शंग्रीला ही हम जा सके, उसके अलावा हम कहीं और जा नहीं सके बिकॉज लेट बहुत हो गया था और थकावट इतनी है कि देखें आवाज़ बैठ गई है. अच्छा, जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू अरेंज किया है और वो मैं आपको दिखाता हूँ. चाहिए, हमने थोड़े से आज चिकन टिक्के लगवाए हुए हैं और साथ कुछ मटन बोटी है और मलाई बोटी जो कि हाफ कुक है. एंड बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कुछ फ्रेंड्स के आने का, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे. सो कल का जो डिनर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो जो व्यूज़ हैं वो देखने वाले होंगे. सो स्टे ट्यून्ड. Here we are at Sugar Fort and we are good to go. बहुत कम time रह गया रात होने में, तो हम चाह रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा discover करें. Hello. जी, so guys, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे Sugar Fort. Beautiful weather and थोड़ा सा late हो गए, इस वजह से हमारा lunch जो है वो miss हो गया. So अब यहाँ पे सिर्फ burger और sandwiches available है, तो वो ही खा के next spot पे जाएंगे. तब तक आप check करें. Hello. ओके गाइस, सो हियर वी आर एट द साइट ऑफ डेजर्ट सफारी. और दुबई में तो ये मैंने बहुत किए लेकिन कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था चलाने का. सो आज जो है वो बाय चांस मुझे मौका मिला और मैंने जो है हमारे जो ड्राइव कर रहे थे, हमारे जो ज़बरदस्त हमारे फ्रेंड जो हमें यहाँ पूरा घुमा रहे हैं, हमारे टूर गाइड भी हैं,
उनसे मैंने गाड़ी ली और आप जो है थोड़ी सी जा रहे एक्सपीरियंस करने के लिए. लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस है. एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं क्योंकि डेजर्ट सफारी जो है वो आपको पता बड़ा शाहाना शौक है. शेखाना शौक है. शेख हमारा है दूसरी गाड़ी में बैठे. आपको दिखाते हैं स्टेट में. फाइनली हम पहुंच गए कोल्ड डेजर्ट और एज यू कैन सी गाड़ी जो थी वो थोड़ी सी हमारी यहाँ पे जाके जो थी वो फंसी. लेकिन कराची के ड्राइवर हैं जी, बारिशों में खड्डों में इतनी जगह ड्राइव की हुई है तो मैंने उसको बड़े तरीके से निकाल लिया. ब्यूटीफुल डेजर्ट गाइस, ब्यूटीफुल डेजर्ट. ये चेक करें आप, ये सब ये पूरा जो है वो एक डेजर्ट है. इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है. और ये यहाँ की जो रेत है ये ऐसी है कि बस पता नहीं कैसी है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोल्ड डेजर्ट ऑफ स्कर्दू. आई एम बीटिंग आउट. बहुत 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 मजा आया जी, बहुत मजा आया. रियली एंजॉयड द डे. फ्लाइट कैंसिल हो गई. ओके गाइस, सो जाना तो था हमने कराची लेकिन हमारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल नहीं हुई. हम कैंसिल नहीं हुई, मिस हो गई हमारी फ्लाइट बिकॉज रास्ते में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था जिसकी वजह से हम फ्लाइट नहीं ले सके. और जो मैं जा रहा था इस्लामाबाद में, मैंने जाना था घर कराची, तो अब मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद. फैसलाबाद जाने की सबसे अच्छी बात यह कि फैसलाबाद मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा हुआ एंड मेरे लिए बहुत मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज फैसलाबाद क्योंकि पंजाबियों का ऐसा शहर है जहाँ पे कॉमेडी जुकते बहुत लगती है. सो मैं तैयार हूँ उसके लिए, उस सारी जुकते कॉमेडी लेने के लिए. कर दूँ के लिए यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.